दिल्ली से आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब कांग्रेस की है। पंजाब कांग्रेस में कलह कथा का अंतिम अध्याय फिलहाल अभी दूर लग रहा है। आलाकमान के कहने पर सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए। घुमा फिरा कर सिद्धू ने कहा, फैसले लेने की छूट नहीं मिलने पर वो ईंट से ईंट खड़का देंगे। अब ये चेतावनी किसके लिए है, कैप्टन या कांग्रेस? तो हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं, उनके चौके छक्कों को हमारी पार्टी अच्छी तरह से झेल लेगी, संभाल लेगी। और आज भी मैं हाईकमांड में एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीआं आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं जाण नहीं दूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लैण दोगे, निर्णय नहीं लैण दोगे, तो फिर मैं एक ना एक भी खड़कूं, एक ना एक भी, क्योंकि निर्णय लैण तो बिना दसवीं कोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्योंकि चूंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात खत्म, बिल्कुल निपटेंगे। और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन इसी पंजाब की कांग्रेस कलह कथा के नए नए पन्ने भी खुल रहे हैं। सिद्धू कैप्टन के युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। दूसरे दलों को मुद्दा मिला तो वो खामोश क्यों बैठेंगे, आरोप लगाने शुरू। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं है। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मैं उनके उस बयान को इससे जोड़ करके नहीं देखता यदि कोई बयान दिया है, और सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयान है, उस पर यदि मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज आपके इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयान है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है।